जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोकल गाइड का क्या कार्य होता है, किस प्रकार से वैकेंसी आई हुई है, कितने प्रकार के चरण हैं और कैसे इसमें आप आवेदन करके एक पोस्ट या सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी RRB के द्वारा, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, पूरे ऑल इंडिया में ALP असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट का अर्थ होता है सामान्य भाषा में जो व्यक्ति ट्रेन चलाता है या ट्रेन का चालन करते हैं, परिचालन करते हैं, ठीक है। इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, रिक्रूटमेंट 2024 की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, 5696 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। यह जो वैकेंसी है इस बार काफी कम आई है, लास्ट टाइम 2019 में जो वैकेंसी आई थी लगभग 35,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, ठीक है। इसके लिए काफी जगह हड़ताल हो रहा है, खासकर पटना बिहार वगैरह में, क्योंकि कम वैकेंसी क्यों दी गई है जब इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी आ रही है, ठीक है। इस पर रेलवे बोर्ड ने जवाब भी दिया है कि एक कैलेंडर जारी कर दिया गया, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि हर साल उस प्रकार की वैकेंसी हम लोग लेते रहेंगे, साल दर साल लगातार इस प्रकार की आपको वैकेंसी मिलेगी, हर साल मिलेगी, ठीक है। अब इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या, तो इसके लिए 20 जनवरी 2024 से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो को डिटेल से देखें और तब इसमें जरूर आवेदन करें, ठीक है। अंतिम तिथि अगर आप इसमें रेलवे में आना चाहते हैं तो अंतिम तिथि है 19 फरवरी 2024। कोई भी व्यक्ति जो रेलवे में जॉब करना चाहता है ALP की, असिस्टेंट लोको पायलट की, तो 19 फरवरी से पहले वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल जो आयु होती है आपकी यहाँ पर 18 से 30 वर्ष रखी गई है, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी के लिए जो 18 से 30 वर्ष का है वो इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन अभी जो कोरोना काल है उसको देखते हुए सरकार ने 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो कहने का मतलब कोई जनरल का अभ्यर्थी है तो वो 33 वर्ष तक आयु में छूट ले सकता है, 33 वर्ष तक वो फॉर्म डाल सकता है। OBC के लिए 3 साल की ऑलरेडी छूट रहती है, 3 साल और मिलाने के बाद 6 वर्ष, ठीक है, 36, और जो अगला ST/SC होते हैं वो 38 हो जाएगा उन लोगों, क्योंकि उन लोगों को 5 साल की ऑलरेडी छूट रहती है। तो अगर 38 साल तक भी है SC और ST वर्ग के हैं तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब शुल्क की बात करते हैं, क्या क्या शुल्क रहने वाला, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ₹500 का शुल्क है और ₹250 का शुल्क है, ठीक है। तो जनरल के जो अभ्यर्थी है या OBC के जो अभ्यर्थी, उनके लिए ₹500 की छूट है, ₹500 शुल्क है यहाँ पर, और ₹250 जो शुल्क है वो SC ST या सर्विसमैन वगैरह हो गए, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग जब आवेदन करेंगे तो जिस नंबर से या जिस अकाउंट से पेमेंट करेंगे वो अकाउंट आपका होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसकी चयन की प्रक्रिया में, जब पहले आप टेस्ट में बैठेंगे, अगर आप बैठते हैं तो यहाँ से आपको ₹400 वापस हो जाएंगे और यहाँ से पूरे ₹250 आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ बैंकिंग के चार्ज कटते हैं वो बात अलग है, यहाँ पर आपको पैसा भी आधे से ज्यादा मतलब कि वापस आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। एक योग्यता की बात मैं कर देता हूँ, ये टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। तो योग्यता ये बहुत जरूरी है आपके पास, या तो ITI होना चाहिए, ठीक है, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, या तो किसी भी ट्रेड में इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देंगे। खासकर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इंजीनियरिंग तो ये है, यहाँ पे सिविल वगैरह इंजीनियरिंग की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये तीनों योग्यता आपके पास कोई भी इनमें से होगी योग्यता तो चल जाएगा काम। अब बात करते हैं आवेदन करने के बाद आपको क्या चीजें पढ़ना है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सिलेक्शन में बात करूं तो CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो एक नंबर 1 होगा, उसके बाद इसमें पास हो जाएंगे तो लगभग इसका 15 गुना पदों का, जैसे कि इसका 5600 जो पद आए हुए हैं, तो 15×75 लगभग 75 से 80 हजार अभ्यर्थी जो है वो CBT 2 के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। फिर लगभग इसका 8 गुना लगभग की बात हो रही है, वो CBAT, ठीक है, इसके लिए तीनों के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा आपका, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल यहाँ पे आईज वगैरह काफी अच्छे तरीके से देखा जाता है ताकि आपको सिग्नल वगैरह प्रॉपर दिखाई दे जब आप ट्रेन चलाए, है ना। तो ये 4 चरणों में या 5 चरणों में कह लूं मैं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले चरण की, चलिए प्रॉपर चयन की प्रक्रिया समझते हैं। रेलवे ने इसके लिए भी कैलेंडर जारी कर दिया गया कि कब कब चीजें कब कब होने वाली है, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करते हैं जो CBT 1 आपका होने वाला है, इसके लिए जून से अगस्त के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म आएंगे, तो जून जुलाई अगस्त लगभग 3 महीने का समय यहाँ रेलवे के द्वारा रखा गया है, ठीक है। तो CBT 1 में क्या होने वाला है, आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे और 1/3 माइनस मार्किंग यहाँ पे रहेगी, मतलब
तीन क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो आपको एक नंबर सही में से कट जाएगा, ठीक है। 60 मिनट एक घंटे का समय है, 75 क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट से भी कम समय मिलने वाला है, ठीक है। जून से अगस्त, मतलब अगर आप फरवरी से ही पढ़ाई चालू कर देते हैं तो मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, लगभग 4 महीने से अधिक समय मिलेगा, जो एक सफिशियंट टाइम है, आप इसके लिए आराम से क्वालिफाइंग कर सकते हैं। 4 टॉपिक इसमें रहेंगे 60 क्वेश्चन के लिए, एक मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स वगैरह, करंट अफेयर जो है जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइड में आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, ये इसका सिलेबस है, इसको डिटेल यहाँ पे लिखा गया है, हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर ये सिलेबस मैं डाल दूंगा, पूरा नोटिफिकेशन वहां पर डाला है, ठीक है, तो आप देख लेंगे। तो इस सीबीटी 1 में आपके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी है, ठीक है। तो जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है। हालांकि जो कट ऑफ है ये इसके ऊपर ही बनेगा, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि आप कम से कम रॉन्ग अटेम्प्ट करें, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए और 60 मिनट में एटलीस्ट 60 सही क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये मेरी गारंटी है आप ये सेक्शन को क्वालिफाई कर जाएंगे। 60 मिनट में आप 60 सही क्वेश्चन बनाइए, आप निश्चित रूप से इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अब दूसरा बात करूं, ये जो सीबीटी 1 था ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके जो नंबर है ना वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले, ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, यहां पर पहुंचेंगे सीबीटी 2 का। तो जो सीबीटी 2 है वो आपका जो टेंटेटिव डेट्स है वो सितंबर में रखा गया है, ये सितंबर में आयोजित होना स्टार्ट होगा, सितंबर अक्टूबर के महीने में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी, ये दो पार्ट में होगा, ठीक है, पार्ट 1 हो उसका सीबीटी का होगा और पार्ट 2 होगा इसका। जो पार्ट 2 है वो क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसके भी नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे लेकिन पास होना जरूरी है। तो वो क्वालिफाइंग इसी के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, 60 मिनट 75 क्वेश्चन, ठीक है, 60 मिनट 75 क्वेश्चन, इसमें मिनिमम 35% आप नंबर लेके आ जाएंगे तो आप हो जाएंगे पास। लेकिन ये जो है पार्ट बी है वो वेरियस ट्रेड से पूछा जाएगा, जैसे मैंने बताया आपको आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, तो उस ट्रेड से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे 75। आपको क्या करना है, लगभग यहाँ पे 40 नंबर लेके आ जाना है, आप इसमें पास हो जाएंगे, मोटा मोटी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन जो आपका पूरा जो पैनल में जो नंबर जुड़ेंगे वो इस पार्ट के होने वाले हैं, ठीक है, सीबीटी 2 से। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सीबीटी 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इस पे क्या क्या पूछने वाला है। ये 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। यहाँ पर देखेंगे मैथ्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है और साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये सबसे बड़ा पोर्शन रहता है इसमें, जो फिजिक्स बहुत स्ट्रांगली पूछा जाता है, ठीक है। फिजिक्स, मैथ्स आपको पता ही है, बहुत दिन से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग आपको पता ही है, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है ये मिलाकर के यहाँ पे 100 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। तो इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं, तो हो सकता है आप 100 क्वेश्चन तो यहाँ पे 75+ लाने का प्रयास करें, क्योंकि इसी में से आपका मेरिट डिसाइड होगा, लोको पायलट आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये पार्ट ए जो है सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है ये डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला चरण है वो हमारा सीबीएटी है, ठीक है, इसको साधारण भाषा में साइको टेस्ट कहा जाता है, एलपी की भाषा में क्या कहते हैं उसको, साइको टेस्ट, मतलब आपका एक साइको टेस्ट किया जाएगा, कुछ नंबर चित्र अगर आपको दर्शाए जाते हैं पहले, उसके बाद उसको हटा करके उसको पूछ रहता है कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें रखी गई थी, ठीक है। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको शो करता सारी चीजें। तो जो सीबीटी है या साइको टेस्ट है वो आपको नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, रेलवे बोर्ड का जो लेटर है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, और लास्ट जो आपका ये है डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो दिसंबर में करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का पूरा प्रोसेस है, पूरा चरण है। वीडियो बनाने में वो काफी ज्यादा लेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये 20 जनवरी से ही इसके लिए आवेदन मांगना शुरू हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसमें आवेदन करना है, मैक्सिमम सभी लोग इसमें छूट होंगे, आईटीआई डिप्लोमा के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। और एक बात मैं बता दूं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो बिलासपुर जो डिवीजन है सबसे ज्यादा पोस्ट पूरे भारत में, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो बिलासपुर डिवीजन में रखी गई है। तो हो सकता है अगर आप इसमें बिलासपुर डिवीजन से अप्लाई करते हैं, छत्तीसगढ़ वाले जो लोग हैं, तो आपको अपने राज्य में ही वैकेंसी पाने के लिए रेलवे में बहुत ही अच्छा ये मौका होने वाला है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं हम लोग रेलवे में डालेंगे तो छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं बाहर दिल्ली, मुंबई या एमपी, बिहार, यूपी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लगभग मैं मान लू 1200 के आसपास पोस्ट है ना, 1200 के आसपास वो है,
SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है इसी के अंदर 1200 के आसपास वैकेंसी, अगर पूरा 5000 की बात करें तो लगभग 1200-1300 वैकेंसी केवल बिलासपुर जोन में ही है ना। डिटेल में आपको इसके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। तो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये एलपी का ये होता है। और एक चीज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका आईज अच्छी होनी चाहिए, आई टेस्ट यहाँ पे किया जाता है मेडिकल में, मगर कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको ग्रीन और रेड में जो डिफरेंस हो पहचानना आना चाहिए और बिल्कुल भी करंट ब्लाइंडनेस यहाँ पे नहीं चलेगा। अदरवाइज ये सारी चीजें जो मेहनत है आपका जो ये मेडिकल टेस्ट होगा वहां पर आप लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आपको एएलपी के बारे में कुछ जानकारी मिला होगा, ठीक है। जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनकी बात कही जा रही है, उसके लिए वैकेंसी आई है। एएलपी जो है असिस्टेंट लोको पायलट ही जब काफी समय तक ट्रेन चला लेते हैं तो उनको लोको पायलट में प्रमोशन होता है, फिर सीनियर लोको पायलट में पहले मालगाड़ी मिलती है, फिर मेल, फिर एक्सप्रेस, फिर राजधानी दुरंतो वगैरह तक उनका प्रमोशन होते जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और रेलवे में आने के बाद आप लोग एक बात ध्यान देंगे, बहुत ये कहावत यहाँ पे चर्चित है, रेलवे में आने के बाद भले आपकी नींद हराम हो जाए लेकिन आपका जो परिवार है बहुत सुखी से सो सकता है। यहाँ का फेवरेट डायलॉग है रेलवे में आने के बाद, मुझे मालूम चला है कि भले आपकी नींद चैन जो हराम हो जाए, दिन ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी, कभी भी आपको ड्यूटी लग सकती है रेलवे के लिए, लेकिन आपका जो परिवार है वो बहुत ही खुशी और संतुष्ट रह सकता है। तो होप सो दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।